नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ये सभी बातें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और इससे आपको काफ़ी नॉलेज जो है मिलेगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक नॉर्थ अमेरिका के नाम से वीडियो आ चुका है, उसमें हमने कई सारी कंट्रीज़ को देखा था। तो जो आपका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। तो एक बार इन कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो अगर आप साउथ अमेरिका का जो है मैप देखेंगे तो आपको इस तरह देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपका ब्राज़ील नाम की कंट्री है काफ़ी जो है लंबी चौड़ी है और ये पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है एरिया वाइज, और ये आपको येलो कलर में यहाँ पे दिखाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें ब्राज़ील के नॉर्थ में कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको फ्रेंच गुयाना देखने को मिलेगा। फ्रेंच गुयाना जो है आपका फ्रांस का पार्ट है, तो ये जो है फ्रेंच गुयाना आपका भले साउथ अमेरिका में दिख रहा है आपको, लेकिन ये फ्रांस का पार्ट है, यानी कि ये यूरोप में आता है। फिर आपका है सूरीनाम नाम की कंट्री है, सूरीनाम ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आपका गुयाना है, वेनेजुएला का नाम आपने सुना होगा, तो वेनेजुएला जो है काफ़ी इस टाइम पे क्राइसिस में गुजर रहा है। फिर आपका कोलंबिया है, पनामा जो है आपका लैटिन अमेरिका में आता है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और फिर आपका है इक्वाडोर, इक्वाडोर ने हाल ही में जो है ओपेक को छोड़ा है तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका पेरू है, फिर आपका यहाँ पर बोलीविया है, बोलीविया में सबसे ऊँची कैपिटल है इसकी। फिर आपका पैरागुए है, फिर यहाँ पर आपका उरुग्वे है, उरुग्वे ने आपकी पहली कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ये भी आपको पता होगा। फिर आपका चिले है, फिर अर्जेंटीना है। तो काफ़ी सारी आपको कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आपकी जो हैं साउथ अमेरिका में हैं, और ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं आपको फीफा वर्ल्ड कप में खेलती हुई दिखाई देंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, आप इनकी कंट्रीज़ के बारे में, उनकी कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो अर्जेंटीना को आपने देखा था, तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनर्स आयर्स। फिर आपका है बोलीविया, बोलीविया की कैपिटल है सुक्रे और लापाज, दो कैपिटल है इसकी। सुक्रे जो है इसकी डी ज्यूर कैपिटल है और गवर्नमेंट की सीट कहाँ पे, लापाज में है, तो दो कैपिटल आपको ध्यान में रखनी है। फिर सबसे बड़ी जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, उसका नाम है ब्राज़ील और इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपकी चिले, चिले की कैपिटल क्या है, सैंटियागो, तो चिले की कैपिटल है सैंटियागो। फिर है कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा, तो काफ़ी फेमस सिटी है कोलंबिया की बोगोटा। फिर आपका है इक्वाडोर, हाल ही में इसने ओपेक को छोड़ा है और इसकी कैपिटल है क्वीटो। फिर आपका है गुयाना, गुयाना की कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कभी कभी जो आप जब आपके वेस्ट इंडीज में मैच होते हैं तो यहीं पे ज़्यादातर होते हैं। फिर पराग्वे, पराग्वे की कैपिटल क्या है, असुनसीन। उसके बाद है आपका पेरू, पेरू की कैपिटल है लीमा। फिर है सूरीनाम, सूरीनाम की कैपिटल क्या है, पारामरिबो, तो नाम थोड़े टेढ़े हैं लेकिन आपको ध्यान में रखने हैं। फिर है उरुग्वे, उरुग्वे कैपिटल क्या है, उरुग्वे की कैपिटल है आपकी मोंटेवीडियो। फिर फाइनल है आपका वेनेजुएला, तो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, कराकस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये इनके ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, छोटी सी लिस्ट है, लेकिन नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अब एक बार मैप पर देख लेते हैं उन कंट्रीज़ की लोकेशन और उनकी कैपिटल को। तो ये आपका तो फ्रांस का पार्ट है, सूरीनाम की कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कोस्ट पे है, फिर गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन भी कोस्टल एरिया है, फिर तरह वेनेजुएला की कैपिटल कराकस भी आपकी कोस्टल सिटी है। उसके अलावा कोलंबिया की जो कैपिटल है बोगोटा, वो आपको सेंट्रल में देखने को मिलेगी बिल्कुल। इक्वाडोर की कैपिटल क्वीटो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका इक्वेटर है यानी कि जो विषुवत रेखा है उसके बिल्कुल पास में जो है क्वीटो है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी कैपिटल जो है बिल्कुल इक्वेटर के पास है, तो वो है क्वीटो, इक्वाडोर की कैपिटल। फिर आपका पेरू की कैपिटल लीमा जो है कोस्टल एरिया में, ब्राज़ीलिया आपकी एकदम सेंट्रल में है। फिर आपका बोलीविया की कैपिटल लापाज और सुक्रे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैराग्वे की कैपिटल जो है आपको अर्जेंटीना के बॉर्डर पे देखने को मिलेगी, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उरुग्वे की कैपिटल जो है मोंटेवीडियो, ये भी जो है कोस्टल एरिया में है। फिर चिले की कैपिटल सैंटियागो जो है आपको एकदम मिडिल में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपका ब्यूनर्स आयर्स है। तो ये जो है आपका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कुछ आइलैंड भी देखने को मिलेगा जिनको हम बोलते हैं फॉकलैंड आइलैंड, तो ये भी जो है आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं।
उसके अलावा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है अटलांटिक ओशियन हो गया इस साइड में, इसके नॉर्थ में आपको कैरिबियन ओशियन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कई सारी कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, ग्रेनाडा, बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडिस, ये सभी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको गालपागोस आइलैंड देखने को मिलेगा, ये जो है इक्वाडोर का पार्ट है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, जो आपका गालपागोस आइलैंड है वो इक्वाडोर का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कुछ आइलैंड के नाम, आर्किपेलगो, जुआन, फर्नांडेव, ये चिले का पार्ट है। तो इस तरह कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और आइलैंड आप कोस्टारिका के देख सकते हैं, कोलंबिया को देख सकते हैं, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो आपका ओशेनिया कंट्री है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया कंट्री हैं, उनकी कैपिटल क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।